हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन स्मिता। स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है रस। आज हम बनाने वाले हैं बेसन वाला आलू चीला। देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये ब्रेकफास्ट में आप यूज़ कर सकते हैं और बच्चों का बहुत फेवरेट रहता है ये, बड़ों का तो ऑब्वियसली। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए आलू, मैंने बॉयल करके इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। हमें चाहिए थोड़ा सा राइस फ्लोर चाहिए, इसमें मैंने धनिया लिया है, हमने इसमें तीखी मिर्ची नहीं यूज़ किया है, कश्मीरी मिर्ची लिया है सिर्फ कलर के लिए, हल्दी लिया है हमने, गरम मसाला लिया है इससे फ्लेवर इसका अच्छा आता है, और हमने बेसन ले लिया है। चलिए देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना है। अभी एक ग्राइंडर के जार में हमें ये आलू दे देना है, इसके बाद हमें बेसन डाल देना है थोड़ा सा। हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं, हल्दी अच्छा कलर आने के लिए। इसमें हम मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, ये भी हम हल्का इसमें कलर आ जाए इसके लिए डाल रहे हैं, और नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डालिए, और इसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा हमें इसका मिक्सचर बन जाए इतना हमें पानी मिला देना है इसमें, और हम इसको अभी मिक्स कर लेते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है हमें ऐसी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा थिन चाहिए हमें। अभी हम एक बाउल में उसको ले लेते हैं। हम इसमें अभी धनिया पत्ता मिला लेते हैं, और इसमें जो हमारा राइस फ्लोर था वो थोड़ा सा मिला लेते हैं, तो अच्छा ये क्रिस्पी बन जाएगा, और इसको एक मिक्स कर देते हैं, और कढ़ाई गरम होने के लिए दे देते हैं हमने भी। चलिए कढ़ाई हमने गरम होने के लिए दे दी है, बहुत ज़्यादा तेल हम इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं लगभग एक टेबलस्पून, और इसको हम ऐसे पूरी कढ़ाई में फैला देते हैं जिससे कि इक्वली हमारा जो बेसन वाला आलू छीला है वो हो जाए। आपके पास ब्रश हो तो आप ऐसे ब्रश भी इसको कर सकते हो। जब तक ये गर्म नहीं होता है हमें, तभी ही हमें ये वाला जो हमारा बैटर है ये डाल देना है, क्योंकि एक बार ये गर्म हो जाएगा तो हमें इसको ऐसे स्प्रेड करने को नहीं मिलेगा, ये तुरंत ही पकना स्टार्ट हो जाएगा, स्टिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे जैसे हम डोसे को बनाते हैं, आपको ऐसे ही इसको गोल शेप में या जैसा भी आप शेप देना चाहो ऐसे हमें दे देना है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके ऐसे हमें गोल कर लेना है इसको। मैं इसको गोल रख रही हूँ, आप जैसा भी शेप चाहो आप ऐसा दे सकते हैं। एक स्पून से आप इसको ऐसे गोल कर लीजिए, और तुरंत इसको हमें टर्न नहीं करना है, काफ़ी देर ये हो जाए उसके बाद ही हमें इसको टर्न करना है, जिससे कि ये एक साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाए और ये टूटे भी ना। आप जल्दी जल्दी इसको टर्न कर देंगे तो ये टूट जाएगा, तो हम वेट करते हैं करीबन एक से डेढ़ मिनट, फिर इसको हम टर्न कर देंगे। और मैंने फ्लेम एकदम कम पे रखा है, आप एकदम लो पे भी रख सकते हैं या फिर मीडियम हाई कर सकते हैं। अगर आप मीडियम हाई कर रहे हो तो एक मिनट में आप टर्न करके ज़रूर इसको देख लीजिएगा, जिससे कि ये जलने के चांसेस ना रहे। आप चाहो तो इसमें इस टाइम पे थोड़ा सा प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको अगर अच्छा लगे थोड़ा सा इसमें आप प्याज भी डाल दीजिए, या फिर कोई भी वेजेस भी आप डाल सकते हो, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। वैसे भी ये अच्छा ही लगता है खाने में बिना प्याज का भी। हम इसको अब टर्न कर देते हैं, थोड़ा सा हल्के हाथ से आपको टर्न करना है। अगर आपको ऐसे जब आप स्पैटुला को ले रहे हो ऐसे अगर आपको लगे कि आपका नहीं हुआ है तो आप इसको टर्न मत कीजिएगा, तो ये टूट जाने के चांसेस रहते हैं, और बिगिनर्स को तो थोड़ा सा और सावधानी बरतनी पड़ती है इसमें। चलिए इसको मैं अभी मीडियम
फ्लेम पे रख रही हूँ। ऑलमोस्ट हो ही गया है और आप देख सकते हैं कैसा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया और क्रिस्पी भी ये हो गया है ऑलरेडी। देखिए ये साइड से क्रिस्पी एकदम ये लग रहा है। चलिए और एक मिनट इसको रख के हम सर्व कर सकते हैं इसको। बनके ये हमारा बिल्कुल तैयार है। और एक हम इसमें, मेरे पास और एक है तो और एक बना लेते हैं हम अभी। और एक को इसमें डाल देते हैं और स्टीम हमें बिल्कुल कम रखना है, नहीं तो ये गलेगा नहीं अच्छे से। हम इसको ऐसे, देखिए हम इसको ऐसे इसमें डाल नहीं पाएंगे और ये फुल फुल के आ जाएगा। इसमें हमें ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा तेल में यूज़ नहीं करनी है, जितना पुराने उसका तेल था उतना ही मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको लगे आपको थोड़ा सा तेल देने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर दे सकते हैं। ये हमारा गर्मा गर्म आलू बेसन का चीला बन के तैयार है। आप इसको बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व कीजिए और हमें बताइए ये कैसा बना आपका, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, शेयर करना मत भूलिए और सबसे बड़ी बात आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हम और भी नए नए रेसिपीज़ आपको सिखा पाए। दिस इज सचिन स्मिता साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।